उल्टी कर दो। रन तो ये बनेंगे 180 पर हम फिर कूड़ा बैठ उड़ेंगे। अच्छा जी 16-17 में गर्दन खत्म। मक्के बोल रहे यार चंडीगढ़ जीतवा को मैं यार बढ़िया लड़के जो बैट रैप पैड है उसमें वो जो बच्चा था वो मैं ही था। बहुत बढ़िया यार एक नंबर। अब मैच यहाँ तक फंस गया कि लास्ट के 3 ओवर में 28 रन चाहिए। मैं बैटिंग पे चला गया, देखते हैं क्या होगा मैच का। तो गुड मॉर्निंग भाई सबको, कैसे हो आप सब। आज निकलना हो रहा है हमारे यूपी और उत्तराखंड का, और इंडिया में से भी सबसे बेहतरीन ग्राउंड है और बड़ा भी बहुत है, और बहुत दिनों के बाद आपको अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है आज। तो अभी तो मैं पैदल निकल लिया। मामला क्या है पैदल निकलने का, क्योंकि बस स्टैंड पे हमारे सारे लड़के वहीं बताऊंगा जाके कौन कौन है हमारी टीम में और कहाँ पे हम जा रहे हैं। तो T20 मैच है और बच्चे स्कूल भी जाते हुए, स्कूल के साथ साथ भाई बच्चे मंदिर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है देखने के लिए। और भाई IPL इस बार इतना तगड़ा चल रहा है ना, मज़ा ही आ रहा है देखने में। आप कमेंट बॉक्स में बता दो दो टॉप पे कौन ख़त्म करने वाली है इस बार IPL में, तो देखते हैं कौन कौन सही गैस कर लेगा। अभी कमेंट करो जल्दी जाके। भाई ये वाला आइडिया ना बैट वाला, ये बाइक पे ही चला था, यहाँ तो बार बार नहीं चला निकल के। ये देखो तो ये तो फेल हो गया सिस्टम, बाइक पे ही ठीक है। देखो भाई जो मज़ा है समय ना सुबह का टाइम, अय हय हय, अपने दोस्त लोगों के साथ अंकल वंकल सब खेल रहे हैं। देखो तो लाइक का टारगेट इस पर भी भाई 12,000 रख रहे हैं, 12,000 मार के जाना, मुझे नहीं पता, अभी लाइक कर दो। तगड़े बॉल भाग रहे आ रहे हैं। तो अब आपको मैं थोड़ा सा अपना पुराना एक्सपीरियंस था जो मेरा, मैं अकेडमी जाता था कैंट में, और यहाँ का मैं वो लोग दिखा दूँगा हम प्रैक्टिस कहाँ कहाँ करते थे, और पंत भी था हमारे साथ उस टाइम, वो सारी यादें कैसे कैसे हम प्रैक्टिस करते थे। तो कैंट के अंदर ही है, तो पहले तो मैं लिफ्ट विफ्ट मांग के पूरा चला जाता था गाँव में और यहीं, तो आज वही एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा क्योंकि कब तक चलूँगा मैं पैदल, चलना पड़ेगा यार। चलोगे? हाँ मैं पहुँच गया। मैं कहाँ तू, तो 6:30-6 बजे कहा तुम ना, मैं तो आधा घंटा हो गया खड़ा उस टाइम। ये भी साहब दिखाऊंगा एक दिन आपको पूरा व्लॉग बनाकर, अगर आप कमेंट कर दोगे तो हाँ कि भाई दिखा दो मैटर क्या क्या था अंदर, कैसे प्रैक्टिस करते थे, कैसे साहब का, वो भी कुछ याद है पुरानी। भाई पांडा स्कूल जा रहा था और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, किट नहीं दिख रही, किट नहीं हमारे पास, दिल्ली हम जा रहे पाकिस्तान इस बार एक मैच खेलने, पाकिस्तान की टीम ने बुलाया। हाँ कौन से स्कूल में आया तो ग्रीन वे पहले तो ये किसका लिया है? क्रिकेट कार्ड का अभी आया गया, खड़ी कर रहा हूं मैं। नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ रोड पे रोक दो, मैच लीग का, चलो खेल लो फिर तगड़े कर का। क्या है साहब पूरे साथ बता रहे तुम, 2 घंटे हम खड़े यहाँ। कहाँ जाते इतनी देर लगाते ना 2 घंटे से? फिर क्या उस माया डिग्गा मारा ना डिग्गा बैट ले वो रोडो मार दे किसी लिया बीमार मार के देखो क्या हालत कर दी इसकी, दिल पे लगा चोट सी मट्टी पे तो चल भी जा। अरे ऑलराउंडर तो वैसे ही दबाक मारा, हां इन्हें भी दबाक मारा भाई, किट बैग रख दो ना, एक ही हो रहा किट बैग, एक ही हो रहा और एक जना हो रहा भाई। तो मैच के बारे में भाई बता दें ऑडियंस को थोड़ा, कहाँ जा रहे हैं हम? एक चीज मैं बताना भूल गया, अभी एक आदमी को ना अभी सोने का सिक्का मिला हुआ, कम से कम 70,000 रुपए का, 80,000 का, और नु कह रहा 2 साल रखूं उसे 1,00,000 का करना, तो क्या होगा फिर बेचेगा उसे? बेच तो वही रहा थे, तो ये तो बहुत पैसे का टूटा हुआ, इसकी मम्मी को इन्ना मम्मी को फोन करा, इसकी मम्मी ने मना करा, तो वही सुनार का चला गया था बेचनु सर। क्या हो गया गणेश जी लक्ष्मी बने बने तभी तो नहीं तेरे घर भगवान प्रकट हो रहे हो। हाँ ये क्यों कह रही यार हो रहा है चंडीगढ़ नहीं आई, ये गए हुए थे वहाँ चंडीगढ़ तीसरे डाउन में बैठ कर कहा गया
कोई वो नहीं है कि मैं जिताना ना जी जिंदगी जान के आउट हुआ कह रहे मुझे देखना था हमारी टीम ऊपर लेके और आधा घंटा ही लगा बस वहां से यहाँ तक आने में भाई हम ग्राउंड का भी दिखा दो मैं आपको तुरते तो भाई अब दिखा दो मेटल ये देखो ग्राउंड को देख कर मनीष क्या याद आ रहा तेरा यहाँ मेरा आपको पहले मैच का एक्सपीरियंस बताऊँ पहले मैच का एक्सपीरियंस यहाँ था मैं आया था जब पहले मैच में रजत भाटिया को जो रजत भाटिया भाई आईपीएल खेल रहे थे वो बॉल डाल लेते उन्हें बॉल डाल ली थी पहले मैच में तो यही था वो नाइट का मैच था यूपीएल का मैच था पीसीए का मैच भाई हमारी वो आगे क्या नाम बॉलिंग चड्डू क्या लग रहा कितना स्कोर बन रहा रन कितने बन रहे रन तो ये बनेंगे 180 पर हम फिर कुड़ा बैठ उड़ेंगे अच्छा जी 16-17 में करते हैं खत्म और ये इकोनॉमी आज मुझे नहीं दिख रही है अच्छा ये जो वीडियो बना रहे जो मक्के बोल रहे यार चंडीगढ़ जीतवा को मैं हेलो क्षेत्रीय ठीक डाल दो और आशीष भाई का क्या रहेगा आशीष भाई का सही सही सारे नीले ड्रेस में ये ऐसा लगा जैसे नाइट ड्यूटी कर गया हो और उनकी टीम से बैटिंग पे ईश्वरन आए थे जो बंगाल से खेलते हैं और इंडिया के स्क्वाड में भी थे और उनके साथ में कुणाल चंदेला थे जो उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी अभी खेल रहे हैं पहला विकेट तो उनका जल्दी गिर गया फिर कुणाल भाई का चंडीगढ़ पे छक्का देखो फिर उसी ओवर में चंडीगढ़ ने विकेट भी ले लिया था और पावर प्ले में उनके दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे और रन भी 30 ही थे फिर बची कुची कसर आशीष भाई ने पूरी कर दी एक ही ओवर में उनके 3 विकेट गिरा दिए और 97 पे उनके 100 विकेट हो गए थे जिसमें मैंने अपने पहले ओवर में एक रन देके एक विकेट भी ले लिया था पूरा मैच हमारी पकड़ में था और सोहित ने उससे अगले ओवर की पहली बॉल पे एक कैच छोड़ दिया और उसी लेफ्टी ने फिर 40 रन के करीब बना के उन्हें 140 तक पहुंचा दिया अब स्कोर कितना हो गया और कितने बताए मैंने और 100 के नीचे अरे 120 बताए थे 130 बताए 10 ऊपर है 10 रन लीली करके तो भाई 10 मिनट बाद दूसरी इनिंग स्टार्ट हो रही है और बॉलिंग सबने अच्छी डाल ली बीच बीच में एक आधा महंगा ओवर साबित हुआ ये तो कैच कर दे कितने ओवर में चेज हो सके भैया 16 में हो जाएंगे बासो कितने ओवर में चेज हो जाएंगे 18 में 18 मैं कैसे हो कहाँ से बैटिंग पे रमन चला गया और सोहित भाई मैंने कैच पकड़ा ना वो कैच मिल लिया और कुछ हाँ पैन चंडीगढ़ से ये तो चंडीगढ़ ऐसा फील लग रहा है जैसे आईपीएल का भी कैम वैम करके आया हो रचित रविंद्र है तुम पे लंबा रनर से आ रहे हैं भाई काफी लंबा आशीष भाई कितने विकेट लिए डालता है वो 3 विकेट लिए बादल भाई कितने विकेट है 6 कितने विकेट है भाई 1 विकेट ओ तेरे वैसे यार सॉरी यार रमन वो जो बैट रैप पैड है उसमें वो जो बच्चा था वो मैं ही था ठीक है भाई जिसमें विराट कोहली थे ओहो विकेट गिरी आशीष के साथ हमारा और ये शॉट यार बहुत तकड़ा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पोस्ट विनर है कोई भाई ओ बढ़िया इनके कान अच्छा। का ये वाला कान भर गया इनका रहता है यार एक रन लाग रहा बढ़िया रोक ले भाई कैच ले लिया
भाई 28 पर 2 विकेट, मनीष और सोहित आउट हो गया, अब आयुष चला गया, तो भाई अब आयुष के कंधों पे है। सिंगल बहुत बढ़िया यार, ये भी गया, एक और विकेट हो गया। तो सामने वो टारगेट दिख रहा भाई, वो टारगेट नहीं है 164, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ, 2 रन हो गए, बस आउट हो गया अभी, 70 रन हो रहे चार्जिंग के बाद, हम आगे दोबारा से चार्ज करके। बहुत बढ़िया यार, एक नंबर शॉट यार, बहुत बढ़िया यार, हो गए हो गए, दो हो गए, जा 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 सड्डू, आ जा, गुड रन, बहुत बढ़िया। ओए भाई, हाँ तुम दोनों में से एक ओवर ऐसा खेल जाओ ना कोई, भाई 13 ओवर में 87, साथ में 55, बढ़िया खेलते रहो, चक्कर में कैसे होगा, आ गए चल, मार करो जा, कुछ भी नहीं है, बढ़िया बढ़िया, ये चाहिए, चलो यहाँ से नहीं, बड़ी बात है, बहुत बढ़िया यार, एक नंबर, अबे भाई, लो जी दे दिया विकेट, तुझ यार एक मार तो दिया था, इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया बैट मारी थी, फिनिश कर गाता भाई, मेरी बैटिंग आ गई थी, अब यहाँ रह रहे थे 15 बोलो पे 24 रन, भाई पहली बॉल तो मेरे से डॉट होगी, मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे पता लग गया भाई विकेट थोड़ा सा रुका हुआ है, फिर मैंने कट मारा और वो मुझे 4 रन मिल गया, मार कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था, 4 हो गया भाई, और अब 19 ओवर की पहली बॉल पे आशीष भाई ने तकड़ा चौका मार दिया और उससे अगली बॉल पे बढ़िया वाला सिंगल आ लिया, मेरे पे स्ट्राइक थी, बढ़िया बढ़िया, पहला बैट तो छूट गया पर ये भी 4 रन मिल गया, बैट पता नहीं कहाँ है और ये भाई अगली बॉल छोटी डालनी थी, मुझे पता लग गया था फील्डिंग से सब कुछ, पर कीपर ने देख लो कैच थोड़ा ठीक ले लिया, अब आशीष भाई और लिली के हाथ में था, 2 बॉल अभी 20 ओवर की बची हुई थी और दोनों डॉट हो गई लिली पे, फिर अब एक ओवर में पूरे 10 रन चाहिए थे, पहली बॉल पे सिंगल आ गया और दूसरी बॉल वाइड आ गई, अब 5 पे 9 रन बचे हैं, नहीं 8, 5 पे 8 बचे हैं और लिली ने फिर मारा, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है आशीष भाई, ये वाला तो तेज भाग रहे हैं, बीच में आप देखना कि थोड़ी सी दिक्कत होगी कि 1-2 रन तेज नहीं लिए, देखो जैसे ये वाला यहाँ अगर तेज भागे तो शायद 2 रन हो सकते थे, उसके बाद लिली के बैट पर मिलने की से 1-2 बॉल मिली, उसके बाद आशीष भाई को 1-2 फुल टॉस मिली, वो कनेक्ट नहीं हुई अच्छे से, तो वहीं रखा मैच, तो वरना हाथ में था, देखो ये वाली फुल टॉस होगी, ये लगी और भागी नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता था, मैं मेरा जो मानना है 1-2 रन फालतू आते तो लास्ट में देखना, मैं 1-2 रन से ही मैच आ रहे हैं, वो कवर हो जाता, मैच टाई तो हो ही जाता पूरा का पूरा, तो लास्ट बॉल पर भी हम 2 ले सकते थे, मैच हार गया 3 रन से 2 रन से, बहुत दिक्कत की बात है, पर तगड़ी बैटिंग तो भाई आयुष ने की एक नंबर, पर हम फिनिश नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें कप्तान साहब भी है, सोहित भी है, हेलो गाइस, लिली भी आज चुका नहीं मारा, लिली भी कर देता काम को, वह भी नहीं गई, तो भाई खाना का ये लगा हुआ चावल, ये बाद में लगा, ये देखो मामला ये है, दाल और ये और ये, और बस हल्का लिए, हल्का लिए, आ जा फिर यहाँ, मैच मेरा भी हाथ है हारने में भाई, और बस क्या बोल रहे हैं, 10 पे 10 में उसका हिट मार के जीत जाएंगे, पर आज भी हार गए, गाड़ी का मनीष ने वो खोल दिया साहब, और उसके बाद धक्का लगवा लगवा का, अरे पीछे हो जाएगी, चलो चलो, हाँ चलो उल्टी कर दो, तो फाइनली भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आधे घंटे बाद करते हैं अब यहाँ इस व्लॉग का एंड, लाइक जरूर कर देना,
और हार का कारण बता देना, हार का कारण स्पेशली है कौन। लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।